बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, पाकिस्तान स्टडी सब्जेक्ट के साथ लेक्चर नंबर 10 के साथ और चैप्टर नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। हमने पढ़ा पहला लेसन, हमने पहला चैप्टर हमने एंड किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान या क़याम पाकिस्तान का। बहुत कोशिश की मैंने कि आसान अल्फाज में मुमकिन हद तक आपको तमाम मैटर पहुँचाया जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपने उसे नोट कर लिया होगा। सेकेंड चैप्टर है हमारा दूसरा, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तारीख पाकिस्तान। पहले हमने देखा कि क़याम पाकिस्तान का क़याम कैसे हुआ, जिद्दोजहद कैसे की गई, कौन कौन से लोगों ने कुर्बानियाँ दी और हमने किस तरह से अपना मुल्क हासिल किया। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का क़याम तो हो गया लेकिन जो मुश्किलात हमें पेश आई, जो परेशानियां हमारे लिए बनी, जो प्रॉब्लम्स हमारे लिए बने, आज हम उनका तस्किरा करेंगे। पाकिस्तान का क़याम होने के बाद हिंदुओं को ये बात पसंद ना आई। कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी कि किसी तरह से पाकिस्तान का क़याम हो, उसने कभी भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। यही वजह थी कि जिस वक्त पाकिस्तान का क़याम हुआ, उन्होंने वो परेशानियां हमारे लिए की, इतने प्रॉब्लम्स पेश किए ताकि हम उनके आगे घुटने टेक दें और दोबारा उनसे कहें कि हमें शामिल कर लो। ये कांग्रेस की अपनी ख्वाहिश थी, लेकिन अल्लाह ताला की मदद और कायद आजम की कायदाना सलाहियतों ने मुसलमानों के जज्बे को कमजोर ना होने दिया और मुसलमान अपना वतन हासिल करने के बाद उन परेशानियों से भी दो चार होते हुए कामयाब हुए। अजीज स्टूडेंट, देखिए, जब अपना घर बनाना पड़ता है तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, दुख सुख परेशानी सब कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो घर बन जाता है तो तमाम मुसीबतें तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं और राहतों के दिन शुरू हो जाते हैं, खुशियों के दिन शुरू हो जाते हैं, सुख चैन नसीब होने लगता है। इसी तरह पाकिस्तान के साथ हुआ, इसी तरह हमारे लोगों मुसलमानों के साथ हुआ कि जिस वक्त पाकिस्तान का क़याम हो गया तो उस वक्त कांग्रेस को ये बात पसंद ना आई और कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन को अपना गवर्नर, तो चल रहा था वो तो थे ही गवर्नर, उनका कहना था हिंदुओं का कि लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर दोनों जगह का बनाया जाए, मुल्क तो हमें मिल जाए लेकिन गवर्नर वही रहे यहाँ पर। ये बात मुसलमानों को कभी भी पसंद ना आई और कायदे आजम इसके खिलाफ थे, लेकिन जब हिंदुओं ने लॉर्ड माउंटबेटन को मिलाया और लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा कि हमारी तरफ हिंदू ज्यादा झुकाव है, हमारी तरफ दाली कर रहे हैं, तो उन्होंने रेड क्लिफ जो कि अंग्रेज जज था उसको अपने साथ मिला लिया, क्योंकि रेड क्लिफ के साथ एक कमीशन बनाया गया था जिसे हदबंदी कमीशन कहते हैं। उस कमीशन में क्या करना था रेड क्लिफ ने को और इनको के सरहदों का तायुन करना था। रेड क्लिफ की नाइंसाफियां अब आप देखिए, रेड क्लिफ की नाइंसाफियां यानी इसके साथ लॉर्ड माउंटबेटन मिल गए थे और वो चाहते थे कि दोनों जगह के वो गवर्नर रहें, हिंदुओं पर तो थी उनकी हुकूमत, वो चाहते थे मुसलमानों पर भी रहें, लिहाजा उन्होंने क्या किया सरहदों का तायुन, एक बाउंड्री कमीशन बनाया और कमीशन बनाने के बाद उन्होंने सरहदें कैसे निकाली कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके पंजाब और बंगाल में से करना था। उन्होंने क्या किया कि गुरदासपुर जो जिला है, गुरदासपुर फिरोजपुर बटाला, इनको क्या किया, ये मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे, इनको इन्होंने हिंदुस्तान में या अपने साथ शामिल कर लिया। फिरोजपुर को शामिल करने से क्या किया गया कि इनको कश्मीर का रास्ता मिल गया,
जबकि याद रहे कि कश्मीर का भारत से रास्ता नहीं मिलता। इन्होंने फिरोजपुर, गुरदासपुर और मुस्लिम अक्सरियती इलाके अपने साथ शामिल कर लिए। लॉर्ड माउंटबेटन की और रैटक्लिफ की दोनों की मिलीजुली भगत से ऐसे रास्ते उन्होंने कश्मीर से निकाल लिए कि जिससे उनका आना जाना भारत का कश्मीर के साथ रही। और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी तमाम फौजें भारत ने कश्मीर में शामिल करी इसी रास्ते के। याद रहे कि पाकिस्तान और कश्मीर की अब तक 3 जंगें हो चुकी हैं। रेडक्लिफ की नाइंसाफियां, सरहदों का तायुन, अब तीसरा बड़ा प्रॉब्लम इन्होंने हमारे लिए क्या किया था, मुहाजिरीन की आबादकारी, रिफ्यूजी प्रॉब्लम। उस वक्त हिंदू यहां से जा चुके थे, लेकिन मुसलमान भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत तकरीबन 1 करोड़ हिजरत करने वाले थे। दुनिया की पहली हिजरत, इतनी बड़ी हिजरत, 1 करोड़ हिजरत की, 20 लाख लापता हुए, 10 लाख जानों से गए। बहुत खौफनाक मंजर था वो जिस वक्त ऐसा किया गया। अब महाजरीन जो वहां से आ रहे थे उनके पास ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़ा, ना रहने को घर। अब ऐसे में क्या किया जाए? लेकिन जब अकीदा हो, जज्बा हो, जब जज्बा होगा तो अल्लाह भी मदद करेगा। कायदे आजम ने हिम्मत ना हारी, मुसलमानों के साथ रहे और मुसलमानों ने हिम्मत ना हारी, मुहाजिरीन बन के उन्होंने तमाम तकालीफ अपनी बर्दाश्त की और अल्लाह ताला ने वो मदद की कि आज वो तमाम प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और ये नहीं, पाकिस्तान ने तरक्की भी करी। मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए कायदे आजम ने बहुत कुछ किया, कहीं से फंड लिया, जिसको अपना लगाया। सब कुछ लगाने के बाद उनके रहने का, उनके खाने का सारा बंदोबस्त किया। अब हमारे पास क्या रहता है? ये इंतजामी अमूर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। देखिए, जब भी कोई इदारा कायम करे और कहीं किसी भी मुल्क में जाए या कोई ऐसी जगह हो, तो इंतजामी अमूर मतलब ये कि कोई इंतजाम संभालने वाला हो, कोई इंतजाम उसको जैसे कहना चाहिए कि उसको संभालने के लिए कोई ऐसा बंदा हो जो एडमिन कहलाते हैं, जो एडमिन हो जो उसको संभाल सके। लिहाजा इंतजामी अमूर के लिए क्या हुआ कि हिंदू जब यहाँ से गए, वो यहाँ से एक एक चीज लेकर चले गए, यहाँ तक कि हमारे रिकॉर्ड तबाह कर गए। कुर्सी, मेज, फाइलें, कागज, पिन, सब कुछ लेकर चले गए। लेकिन मुसलमान जिस वक्त आए उन्हें कुछ ना मिला, टाइपराइटर वगैरह कुछ नहीं था। लिहाजा मुसलमानों ने जब अपने पेपर रखे तो लगाने के लिए पिन नहीं थी, बाहर से उन्होंने कांटे लगाए और वो कांटों से पिन अप करके उन्होंने वो पेपर्स लगाए। इस पर भी अल्लाह ताला का करम हुआ और इस पर भी हमने काबू पा लिया अल्लाह की मदद के साथ। और आज पाकिस्तान माशाल्लाह तरक्की किए हुए अल्लाह की मदद के साथ। सबसे बड़ा मसला था पानी का मसला, कंटिन्यू है, दोबारा समझाऊंगी इंशाल्लाह। ओके, okay.